नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कल इंदौर में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जमीन पर बैठकर लिखा पढ़ी करने को विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर मनीष सिंह का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। कलेक्टर मनीष सिंह के पुतले को लेकर यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भागे। पुलिस ने दौड़ लगाकर पकड़कर पुतला छीना। दहन करने वाले कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुतले को जब्त किया। कांग्रेसियों का कहना है कि कलेक्टर मनीष सिंह गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा को भूलकर एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठकर चर्चा करने वाले सीएसपी का ट्रांसफर कर दिया था। आज कलेक्टर मनीष सिंह मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं के चरणों में बैठकर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी ट्रांसफर किया जाए। हम इसका विरोध करने आए थे। पुलिस ने 3 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है निखिल वर्मा, गोलू वर्मा और कुलदीप वर्मा। इन पर धारा 151 का मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय, कलेक्टर ना होते हुए बीजेपी के गुलाम बनकर इंदौर में काम कर रहे हैं। वो कलेक्टर नहीं, बीजेपी के गुलाम बन गए हैं एक तरह से। कुछ समय पहले जब माननीय जीतू पटवारी जी, संजय शुक्ला जी ने अहिल्या प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया, तो उनकी समझाइश के लिए सीएसपी साहब और एसडीएम साहब बात कर रहे थे, उनके साथ बैठ के, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और कल माननीय मनीष सिंह जी, कलेक्टर जी, सीएम के सामने घुटनों पर झुककर जो जी हजूरी कर रहे थे, तो एक शहर दो कानून नहीं चलेंगे। अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो इनका भी होना चाहिए। ये भी घुटनों पर बैठे थे, और जो किसी पद पर नहीं है, माननीय गौरव रणदिवे जी किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, उसके बाद भी उनके सामने वो घुटनों पर बैठे थे, तो ऐसी तानाशाही हम नहीं झेलेंगे। ये यूथ कांग्रेस है, समय समय पे इस तरह के जवाब देती रहेगी, और एक शहर दो कानून को हम नहीं मानेंगे। इंदौर कलेक्टर, इंदौर कलेक्टर, पुतला दहन करने जब हम गए तो जुनिंदर और रावजी बाजार की टीम हमारे पीछे लगी। हम पुतला जलाने कलेक्टर के सामने गए थे, लेकिन वो आधा जला आधा नहीं जल पाया। आपका नाम बताएं। निखिल वर्मा, यूथ कांग्रेस। ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ लड़के इकट्ठे होकर कोई पुतला दहन करने वाले हैं, उस पर तुरंत जाके रावजी बाजार टीआई साहब और मैं बल के साथ पहुँचे, तो वहाँ पे 4-5 लड़के दिखे थे जो पुतला लिए हुए थे, तो उनको तुरंत उसका पुतला उनको उनसे ले लिया गया, और नारेबाजी कुछ कर रहे थे, तो उनको उसमें से 3 लोगों को थाने लेके आए। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किसका पुतला है, क्यों दहन किया। अभी पूछताछ करनी है, अभी इनसे पूछताछ करनी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।